So I am near a glacial ice in the month of May. 500 meters for Chitkul village. We have already crossed the last village of India. बीच में काफी ऐसे patches हैं जहाँ पे दिक्कत हो रही है चलाने में. Over there, this is the Kinnaur Kailash peak. Good morning, everyone. Today is 10th May 2019. सुबह के 6:17 हो रहे हैं. हाँ, 10th ही है ना? हाँ, 10th ही है. Right. Friday है ना आज? हाँ, Friday. तो it's a beautiful morning. अभी मैं चाय पी रहा हूँ इस कैंप के बाहर. और आज मेरा प्लान है चिटकुल जाने का, the last village on the Indian side of line of control, line of actual control with China. And there we'll be meeting the ITBP jawans who are guarding our frontiers. Temperature raat ko around 5 degrees tha, which was quite less. सुबह होने तक 7-8 degrees हो गया, मैंने चेक किया था. कल का forecast है rain का, but we will be leaving today for Kalpa, which is around 56 kilometers from here, after coming back from Chitkul. तो Chitkul से हम वापस आ जाएंगे around 9 am तक, ये मेरा target है. And then we'll be having a breakfast here and we'll be checking out. Beautiful morning, these are the apple orchards. अभी apple का season आया नहीं है, but if you can see this, ये जो फूल है यहाँ पे यही कन्वर्ट होते हैं एप्पल के अंदर, इनके सीड्स बनते हैं एंड देन दे राइप इनटू एप्पल्स. मैं चल पड़ा हूँ अपने कैंप से बाहर टूवर्ड्स तका पार्किंग और वहाँ से चिटकुल. चिटकुल यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर्स है, वही वाली रोड जो हमने कल छोड़ी थी जहाँ पे व्हेन वी केम डाउन टू दिस वैली, उसी रोड को हमने आगे कंटिन्यू करना है और हम जाएंगे चेक पोस्ट तक. उस चेक पोस्ट का नाम क्या है जो लास्ट चेक पोस्ट है? वो है नागस्ती. नागस्ती, जहाँ पर आईटीबीपी के जवान है, वहीं तक ये किसी सिविलियन को अलाउ करते हैं बिकॉज ऑफिशियली देर इज़ नो बॉर्डर पॉइंट इन चितकुल. चितकुल से भी अराउंड 35 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स तक आगे रोड है, उसके बाद एक हेलीपैड है एंड देन देर इज़ नो रोड एट ऑल. एंड देन Across the big mountains, वहाँ पर जाकर टिबेट बॉर्डर आता है, which is not visible from Chitkul, by the way. ये वही वाला रास्ता है जैसे कि हम कल आ रहे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रास्ता बनाया है. मशीन से यहाँ पे प्लॉइंग होती है. वी आर ऑन द वे नाउ. ये वही वाली कच्ची सड़क है जिससे हम नीचे आए थे कल और ये हमारे कैंप का नजारा ऊपर से वहाँ सामने. एंड देयर इज अ ग्लेशियर ऑन द हिल टॉप, वो बास्पा रिवर है यहाँ पे. Thank you.
परिवार के उस तरफ है और हम इस तरफ चल रहे हैं। ये पत्थर जैसे लगा रखे हैं, दीज आर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ लैंडस्लाइड। रक्षम इज 5 किलोमीटर। रक्षम इज 3, चिटकुल 24। इट सेज ग्राम पंचायत रक्षम आपका हार्दिक स्वागत करता है। सो दिस इज द सेकंड लास्ट विलेज बिफोर इंडो टिबेट बॉर्डर। इसके बाद आखिरी गांव है चिटकुल। तरंग चौकी आ गया है, आईटीबीपी की पहली चौकी में देखिए आप। छितकुल अभी भी यहाँ से 6 किलोमीटर है, सड़क बहुत ज्यादा खराब है। ये ग्लेशियर का पिघलता हुआ पानी। अचानक से कोई गतिरोधक आ गया है और गतिरोधक एक्चुअली में वो मैन मेड वाला नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, बट आप देख सकते हैं फ्लॉक ऑफ शीप है जो बता रही है कि कौन सा महीना है, मई का महीना। कैसे हो भैया? नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ सानू पता लग गया केड़ा महीना चल रहा पे। छिटकुल से सिर्फ 4 किलोमीटर पहले है। जून से पहले कौन सा महीना आता है? सो फाइनली जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था वो पल आ ही गया। आके सामने ग्लेशियर आइस है, थोड़ी सी गंदी है बट बर्फ तो आके बर्फ ही होती है। अब मैं ऐसे जाके टच करूंगा। सो आई एम नियर अ ग्लेशियर आइस इन द मंथ ऑफ मे। ये कोशिश कर रही है कुछ बर्फ निकालने की खोद के। वेरी हार्ड, खरोच के भी नहीं निकल रही है, पत्थर जैसी बिल्कुल। अच्छा इसने लिखा है एस लव हार्ट एम, करने की कोशिश कर रही थी बट डंडी टूट गई है। Glacial ice, as you can see, in the month of May, we were on our way to Chitkul, और रास्ते में ये नजारा दिखा है। पुरानी बर्फ है, but है तो बर्फ ही। गिरना मत, प्यार से आओ। I'm shivering। इसका रबड़ का सोला जो इतनी आसानी से स्किड नहीं करता। और ये देखिए, it's a beautiful pine। ये जो हम मार्केट से खरीदते हैं, as a showpiece, as a souvenir, यहाँ पे बहुत सारे हैं, in abundance। So after an amazing snow fight and snow bath, we have moved ahead. We'll be right back.
कैंडिडेट से ग्राम पंचायत चितकुल में आपका स्वागत है। बिल्कुल खाली है, आज तक नहीं पहुंचा। ये फाइनल व्यू है ग्लेशियर्स का। आई थिंक दिस इज द लास्ट जो भी इनहैबिटेड हाउस विच यू विल सी ऑन दिस रोड। और इसके बाद ये रोड आगे जाके एक डेड एंड में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज आगे आईटीबीपी की एक पोस्ट है। उसके बाद सिविलियंस का जाना अलाउड नहीं है, नॉट इवन लोकल। रोहन है, ये यहीं के लोकल है सांगला के, और ये बता रहे हैं कि इससे आगे मतलब जाना अलाउड ही नहीं होता। जहाँ तक ही ले जा सकते हैं वहाँ तक हमें ले जा रहे हैं। हमारी अपनी गाड़ी जो है वो रिजॉर्ट में खड़ी हुई है, बिकॉज मुझे काफ़ी दूर ट्रैवल करना था, तो इसलिए फिर आई डिड नॉट ब्रिंग माई ओन कार। तो आप चाहे तो ड्राइव करके भी आ सकते हैं, मेरा कुछ और रीज़न था इसलिए मैं लाया नहीं गाड़ी अपनी यहाँ पर। सो अभी आगे जा रहा हूँ मैं चेक पोस्ट पर, वहाँ जाके आपको नेक्स्ट अपडेट दूंगा। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच द चेक पॉइंट, द लास्ट पॉइंट वेयर एनी सिविलियन और लोकल कैन गो, एंड देयर इज अ दुमती कैंप। यहाँ से 18-19 किलोमीटर्स जो आईटीबीपी के अंदर है, टोटली कंट्रोल्ड बाय आईटीबीपी एंड आर्मी। ऐसे सुनने में आते हैं कि दुमती तक ही रोड है, वो भी ऐसी कच्ची रोड है, और उसके आगे रोड एग्जिस्ट नहीं करती, उसके आगे हेलीपैड है। और जो भी आर्मी और आईटीबीपी को जो लॉजिस्टिकल सप्लाई होती है या मेडिकल एड होती है, वो थ्रू हेलीकॉप्टर्स ही होती है। दिस इज़ द डिस्टेंस वी हैव कवर्ड, ऑल दोज माउंटेंस एंड ऑल वी हैव कम हियर। Guys, I've just reached the last checkpoint of India on the, after crossing Chitkul, and this is what it is written: ITBP India's first line of defense, जैसे BSF है पाकिस्तान की border पे। तो इसके आगे photography allowed नहीं है, so I need to end this vlog here for this particular area. Take only memories, leave only footprints. Visit again. This is a slogan given by ITBP people. Because they actually are concerned about our security. जो ग्रीन हट्स दिख रही हैं आपको, ये चिटकुल विलेज है। यहाँ पर एक नार्को कैंप है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एडवेंचर्स एंड ऑल। यहाँ पे भी कैंपिंग साइट है कोई, दिस इज द सेम कैंपिंग साइट बेसिकली नार्को। इस टाइम हो रहा है 8:40, हम सुबह 6:30 निकले थे अपने कैंप से। तो मार्च तक आप बता रहे हो कि ये जो है यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, राइट? हाँ जी। वाओ, दिस इज अ व्यू। ये आपको एक ग्लेशियर है जो बिल्कुल जस्ट लाइक अ रिवर आपको दिख रहा होगा, नीचे स्लाइड डाउन हो रहा है जो पूरा, और ये नीचे जाके रिवर में ही, जो इसका ये सामने जो आपको रिवर दिख रही है बासपा रिवर, इसमें ही जाके इस ग्लेशियर का पानी मेल्ट होता है। ये हमारा चिटकुल विलेज है छोटा सा, यहाँ पे होम स्टेज मिल जाएंगे आपको रहने के लिए, और छोटे छोटे हॉस्टल हैं बैकपैकर्स के लिए, जिसे हम हॉस्टल बोलते हैं, और एक समा कैंप भी है यहाँ पे। दिस इज अ स्मॉल बस स्टॉप है। We're looking for the last dhaba of India. एक बोर्ड तो देखा था यहाँ पे। Let's see. ये रहा, यही वाला है ना? ठहरिए हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, देखना ना भूलिए। Okay.
Okay guys, अब हम छिटकुल विलेज में आ गए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हिंदुस्तान का जो ये आखिरी ढाबा है इस पे चाय और थोड़ा सा नाश्ता करके निकले। तो ये बिल्कुल छिटकुल का जो बस स्टैंड है बिल्कुल उसके साथ ही बना हुआ है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, और सामने बासपा रिवर का व्यू है नीचे, और ये बिल्कुल एज पे बना हुआ है उसकी। सो हम गोना ईट दिस ब्रेकफास्ट इन द लास्ट ढाबा ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, दिस ऑमलेट एंड दिस नेस्कैफे चाय। ये मेरे पीछे का व्यू है। कहाँ से सर आप? सर हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, 60 rupees का बिल है, ये लीजिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ इनकी स्वीट मेमोरीज हैं एंड दिस इज़ द व्यू ढाबे के साथ में, बिल्कुल ना एक छोटे से क्लिफ पे बना हुआ है ये, वो सामने जहाँ से हम आ रहे हैं अभी रोज ग्लेशियरेड पीक्स जो मैं वहाँ से दिख रही थी जो लास्ट चेक पॉइंट था, और नीचे रिवर है। थैंक यू भैया, धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा के ओनर, ठीक है, और इनका नाम क्या है? आपका नाम? ओम प्रकाश। नहीं, ओम प्रकाश जी। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे दो चाय और एक ऑमलेट ब्रेड खाया, बहुत टेस्टी था। इनके ढाबे की स्पेशलिटी ये है कि ये एक तो लास्ट ढाबा है ऑन द इंडियन साइड, और सेकेंडली मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी हमें। मूविंग हेड नाउ, तो ये था हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा का बोर्ड, ये हमेशा डांस ही करती रहती है, डोंट माइंड। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, दिस इज़ अ समर रिजॉर्ट, द लास्ट रिजॉर्ट ऑन द इंडो टिबेट बॉर्डर। दिस इज़ अ बस स्टैंड, इसके बैंक ऑपोजिट ये आपको ये बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। ओके गाइज, मूविंग हेड नाउ। सो गाइज, आई एम बैक इन माई टेंट आफ्टर दैट वंडरफुल स्मॉल ट्रिप टू छितकुल। दिस इज़ आवर टेंट एक्चुअली, इट्स मेस्ड अप, सो बिकॉज वी आर पैकिंग नाउ। मैं आपको जल्दी से इसके बारे में बता देता हूँ कि इस टेंट में क्या क्या है। ये दो सिंगल बेड्स थे, हालांकि हमने डबल बेड डिमांड की थी, बट इट्स ओके। ये कुछ यू नो यू कैन हैंग समथिंग, बैग्स और आपके कपड़े वगैरह, ये ड्रेसिंग टेबल से रखा है। बाकी चार्जिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इधर है उस कोने में भी है, वहाँ पे दो बेड लैंप्स लगे हुए हैं, और एक ये सीलिंग पे एक लगा हुआ है शैंडलियर टाइप कुछ। बाकी इसका बाथरूम भी, दिस इज टू वन, दिस इज प्री वॉशरूम सेक्शन एंड दिस इज द वॉशरूम, रनिंग वाटर है। एंड ये जो है ये सॉलिड बना हुआ है सीमेंट का, तो दरवाजा इसका तो है, बट जब आप टेंट में एंटर होते हैं तो उसका दरवाज़ा नहीं है, उसके लिए वो दरवाज़ा देखिए। सो फॉर क्लोजिंग इट यू हैव टू जस्ट टाई दीज अप टुगेदर, इसमें होल्स में डाल के, ये होल्स बने हुए इसमें छोटे छोटे यहाँ पे, तो ऐसे ये बंद होता है। काफ़ी यूनिक स्टाइल है, जैसलमेर में जब मैं रुका था वहाँ पे फिर भी दरवाज़ा बना हुआ था एक स्मॉल प्लाईवुड का, बट यहाँ पे इट्स टोटली मेड अप ऑफ क्लॉथ। बह गए नहीं असी ब्रेकफास्ट खान, आएगा मेन्यू साडा ब्रेड से ऑमलेट पिज़्ज़ा एना दा इडली सांभर साउथ इंडियन। अब जल्दी से रैप अप करते हैं ब्रेकफास्ट को, और ये पीछे का नज़ारा है, रिवर साइड ब्रेकफास्ट है। सो गाइस, वी आर फाइनली लीविंग, सारा सामान पैक हो चुका है गाड़ी में, और गुड बाय करने का वक्त आ गया बंजारा कैंप्स को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड आई एम हेडिंग बैक टू कल्पा। नीचे आ चुके हैं, खर्चम हमने डैम क्रॉस कर लिया, खर्चम डैम, and now you can see the geography has totally changed here. सर और रॉकी सारे पहाड़ हैं यहाँ पे, देर इज़ नो वेजिटेशन एज सच। तो ये रास्ता यहाँ से सीधा शिपकिला जाता है, जो कि एक बॉर्डर पास है चाइना के साथ, तिब्बत के साथ। अगर हम पू चले जाते हैं तो वो आगे सीधा स्पीति पे कनेक्ट हो जाता है, स्पीति वैली पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है बहुत स्ट्रेटेजिक एंड टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये पूरा का पूरा इन्होंने रॉक्स काट काट के ये सड़क बनाई है. एक्सेप्शनल जॉब. थोड़ी मेंटेनेंस की जरूरत है बस इसे, वो भी हो जाएगा आई बिलीव बिकॉज काम चल रहा है यहाँ पे. एंड देयर इज अ टनल वर्क गोइंग ऑन हियर. आई थिंक वो टनल बना रहे हैं शायद थोड़ा सा रास्ता शॉर्ट करने के लिए. मे बी ये रीजन हो सकता है, आई डोंट नो. ये देखिए ये टनल है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत झरना. और आगे भी आप देखिए नीचे सतलुज रिवर है जो अब हम फॉलो करेंगे आगे तक. टिल द टाइम वी एक्चुअली टेक अ लेफ्ट टर्न फॉर रिकोंगपियो, द सतलुज रिवर विल फॉलो अस. एंड दिस रिवर इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम टिबेट. दिस इज नेशनल हाईवे 5 एंड मैंने अभी देखा था कि काफ़ी बाइकर्स यहाँ पर आ रहे थे. तो बेसिकली बाइकर्स का ज़्यादातर तो स्पीति का ही प्रोग्राम बनता होगा क्योंकि ये डायरेक्टली काजा, लोसर, काई मोनेस्ट्री, नाको ऐसी जगहों पे जाती है ये सड़क, और वहीं फिर आगे जाके लाहौल पे जाके मिल जाता है. बीच में काफ़ी ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे दिक्कत हो रही है चलाने में. द हैप्पीएस्ट पार्ट इज़ दैट वो सांगला वाली सड़क से तो बेटर है बिकॉज बींग अ नेशनल हाईवे इसकी रेगुलर मेंटेनेंस होती रहती है. सो गाइज वी आर अबाउट टू रीच कल्पा और रिकोंगपियो हमने पार कर दिया है. पीछे रिकोंगपियो से हमारा होटल अराउंड 8 किलोमीटर है एज पर GPS. रिकोंगपियो इज़ अ बिग सिटी. इट इज़ अ कैपिटल ऑफ द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. बाकी रोड कंडीशंस आर गुड, बेटर, मच बेटर देन सांगला एंड चितकुल. विल कैच अप सून. So guys, we are almost there. I think around 5 kilometers. काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है कल्पा की, काफ़ी ज़्यादा है मतलब. ये इसका नमूना आपको यहाँ दिख जाएगा. ऐसे ही कितने ही कट्स आ चुके हैं मित्र. Friends, it's 6:30 p.m. I just got up from a good sleep. तो मैं इस टाइम हूँ कल्पा में. दिस इज़ दी होटल बिहाइंड मी. मैं यहाँ पे अराउंड 2:30 पहुँच गया था. उसके बाद से आई स्लेप्ट, थोड़ी थकान थी वो तारी. तो यहाँ से जो व्यू है वो अनएक्सप्लेनेबल है. सो यू योर सेल्फ डिसाइड what kind of view it is. Over there, this is the Kinnaur Kailash peak and it rained. And I think it snowed over there on the high peaks because the snow is looking too fresh now. It's looking very white. And this is the hotel, Hotel Kinnaur Kailash. ये वाला व्यू मेरे रूम से दिख रहा है. आई विल शो यू दैट ऑल्सो. जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ मेरा रूम यहीं इस रूम से थोड़ा उस तरफ है, ग्राउंड फ्लोर पे है. तो वहाँ की खिड़की से मुझे ये एंटायर रेंज ऑफ हिमालयस दिख रहा है. यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स आई हैव राइट नाउ.